एवरीवन, डिजिटल गेमिंग के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, ये जो गैराज वाली बिल्डिंग्स है उनमें आधों में रूफ में जाने का रास्ता होता है, यानी कि स्टेयर्स होते हैं रूफ में जाने के, पर आधी बिल्डिंग्स में नहीं होता है। जैसे कि ये वाली बिल्डिंग है, यहाँ पे रूफ में जाने का कोई सीधा रास्ता या फिर कोई स्टेयरकेस नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ये रूफ पे चढ़ सकते हो। ये रूफ पे एक अच्छा सा वेंटेज पॉइंट, एक अच्छा सा कवर मिल जाता है, जब आप एनिमी को शूट भी कर सकते हो। ऊपर से हाई वेंटेज पॉइंट है, आपको दूर दूर तक दिखेगा और एनिमी से आप बच भी सकते हो, कवर भी आपको अच्छा मिलेगा। तो जो सबसे पहले आपको करना है वो है कि ये जो बाहर वाली बालकनी है वहाँ पर आपको जाना है। यहाँ से आपको रेलिंग पे है, जो ये वाली रेलिंग सीमेंट की, वहाँ पर जंप करना है, फिर रूफ के पास जाना है, एकदम पास जाना है और कंटिन्यूस जंप बटन दबाने हैं। मैं इस बार लकी था और मैं पहली बार में ऊपर पहुंच गया। तो ऊपर आके आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको दूर तक का नज़ारा मिलता है। ये वाली जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है पोचिंग की, मैं पोचिंग की एक हाई एनिमी वाला एरिया है, तो यहाँ पे आपको एनिमीज पक्का मिल जाते हैं, पर आप क्राउच करके एनिमी से बच सकते हो। अगर वो एक डिरेक्शन से शूट कर रहा है तो आप रूफ की दूसरी तरफ जा सकते हो, दूसरी साइड, और फिर क्राउच करके कवर ले सकते हो और फिर लीन करके या फिर पिक करके एनिमीज को मार सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक एनिमी दिख रहा था वो बिल्डिंग के ऊपर, तो मैंने यहाँ से, आप देख सकते हो आसानी से दिख रहा है, तो हमने काफ़ी सारे शॉट्स भी लगाए। तो अभी हम इस साइड से, आप देख सकते हो, कवर लेके भी हम उसे मार सकते हैं लीन करके या फिर पिक करके। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा कि अगर एनिमी को आपकी लोकेशन नहीं पता है पर आपको पता है कि एनिमी वहाँ पर है, तो आप ऐसे ब्लैंक शॉट्स चला सकते हो, यानी कि आप आवाज़ कर सकते हो जिससे कि एनिमी बाहर निकलेगा, वो पिक करेगा, जैसे यहाँ पे उसने किया। ये एक टिप है जो आपको बहुत काम लगेगी। हमने बहुत सारे शॉट्स लगाए पर इनफ नहीं थे, एक गेम का रिकॉइल बहुत ज़्यादा है और हम मिस कर गए। और एक एनिमी है यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग, ये ग्रीन रूफ वाली बिल्डिंग है, वहाँ पर हमने देखा, ग्रेनेड थ्रो करके देखेंगे, एनिमी बहुत पक्का नहीं है वरना वो हमें अभी तक तो मार लेता, पर हमने उससे पहले देखा, वो देखा, उसने वापस से पिक किया, वापस अंदर चला गया, फट्टू है थोड़ा, हमें नहीं मार रहा वो। तो जैसे मैंने बोला था गाइस कि जो रूफ़ है हाइट पे, यहाँ पे आपको बहुत दूर दूर तक दिखेगा, यहाँ से आपका पोचिंकी का लगभग 60-70% एरिया आसानी से दिख जाता है और आपको कवर भी मिल जाता है और एनिमीज को आप आसानी से मार भी सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल दोनों के दोनों एनिमीज बाहर नहीं निकल रहे, वो लोग छुप गए। तो आइए मैं आपको और एक रास्ता दिखाता हूँ, और एक पाथ दिखाता हूँ जहाँ से आप रूफ पे चढ़ सकते हो। तो पहला तो मैंने आपको दिखाया था कि आप जो है वो रेलिंग से, वो सीमेंट वाली रेलिंग से आप ऊपर चढ़ सकते हो, वहाँ से आप रूफ़ के एकदम नज़दीक जाके कंटिन्यूस जंप बटन दबा के आप ऊपर चढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने पहले एनिमी देखा था पर वो अब यहाँ पे नहीं है, कहीं पे भाग गया, पता नहीं कहाँ भाग गया। तो आइए हम, मैं आपको वापस ले जाता हूँ वही रूफ पे। इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे ऊपर चढ़ सकते हो दूसरी तरफ की रेलिंग से, यानी कि सेम रेलिंग, सीमेंट वाली जो रेलिंग है, ये जो छोटी बालकनी में पहले हम लेफ्ट वाली से चढ़े थे, इस बार मैं आपको राइट वाली से चढ़ के दिखाऊंगा। पर यहाँ पे मुझे एक एनिमी दिखाई दिए या फुटस्टेप सुनाई दिए, तो पहले हम उसे मार देंगे। एक गेम है, रिकॉल बहुत ही ज़्यादा है पर डैमेज अच्छा है तो चल जाती है। इस बार ये रेलिंग से आपको एकदम पास जाना है, कंटिन्यूस जंप बटन्स दबाने हैं। इस बार भी मैं लकी था और जल्दी से हम ऊपर पहुँच गए। तो अभी वो एनिमी है हमें दिखा, अभी भी वही सेम बिल्डिंग में है, तो वापस से हम उसको बाहर निकालने के लिए थोड़े ब्लैंक शॉट्स चलाएंगे शॉटगन से, ताकि वो बाहर आए। आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, अगर कोई एनिमी आपको पता है कि वह एक बिल्डिंग में है तो थोड़े ब्लैंक शॉट्स फायर कीजिए, वो पक्का है कि बाहर आएगा आपको ढूंढने के लिए और आप एक इजी किल ले सकते हो। ये ट्रिक हमने पहले इस एनिमी पर यूज़ की थी, तो मुझे लगता है उसको पता चल गया कि हम उसे बाहर कॉल आउट कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल तो बाहर नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ कि आप ऊपर कैसे चढ़ सकते हो। इस बार मैं आपको डोर की हेल्प से चढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले डोर के एकदम पास आके आप अलाइन हो जाइए, फिर कंटिन्यूस जंप बटन्स दबाते रहिए। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, आपको एनालॉग स्टिक बहुत ज़्यादा मूव नहीं करनी है, बस कंटिन्यूस जंप बटन्स दबाना है। और एक बार आप डोर पर चढ़ गए, उसके बाद रूफ पर चढ़ना तो बिल्कुल ही आसान है। तो एक बार फिर रूफ पर आ गए, वेंटेज पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे हमें एक बॉट दिखा,
और इजी किल था। अगर वहाँ पे एकेडमी होती या फिर पूरा का पूरा स्क्वाड ही क्यों ना होता, हम रूफ पे आके नीचे क्राउच करके एनिमीज से बच सकते थे, अच्छा सा कवर ले सकते थे, फिर लीन करके पिक एंड फायर करके उन्हें आसानी से मार सकते थे। तो यही था गाइस आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि आप एरेंगल मैप में जो गैरेज वाली बिल्डिंग्स है और जो रूफ बिना की बिल्डिंग्स है मेनली, उनके ऊपर आप कैसे पहुँच सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे, आपको हेल्प करे और आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन।